झारखंड के लोकल खबर में आपका स्वागत है। हर मोर्चे पर विफल रही हेमंत सरकार। भाजपा प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार बुधवार को सभी प्रखंडों में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन संबंधी वीडियो को सौंपा गया। इसमें राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की खरीद तेज करने, तृतीय पंचायत चुनाव कराने सहित बालू घाटों की नीलामी की मांग की गई। बिजली बिल में सुधार और वंचित परिवारों को अविलंब राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई। खबर है दुमका से। 13 जिले के सहायक श्रमायुक्तों के पारित आदेशों पर अब दुमका में अपील। संथाल परगना के 6 जिले दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा के अलावा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में श्रम उल्लंघन के मामले में सहायक श्रमायुक्तों के स्तर से पारित आदेशों के खिलाफ अब अपील रांची की बजाय दुमका में होगी। यह खबर है गोड्डा से। शहर के कोलरा बांध से हटेगा अतिक्रमण। शहर के साकेतपुरी के समीप स्थित कोलरा बांध की नापी होगी। इस स्थानों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। सदर एसडीओ ऋतु राज व अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने टीम के साथ निरीक्षण कर अब अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। लोगों ने बताया कि यहां जल निकासी की समस्या से कोलरा बांध में वर्षों से जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। किसानों के नाम पर लोगों को बरगला रही है राज्य सरकार, अनंत बोले। किसान बिल के समर्थन में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कानून बना रही है। नए कृषि कानून से किसानों को लाभ होगा, लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ कुछ अन्य लोग किसानों को बरगला रहे हैं। किसान भली भांति यह समझ चुके हैं कि और वे ऐसे लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। यह खबर है जामताड़ा से। बेरोजगारी और पलायन को बढ़ावा दे रही है सरकार। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपाइयों ने जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। किसानों से धान खरीद शुरू करवाने समेत स्थानीय समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन स्थानीय अधिकारी को सौंपा गया। कल से शुरू होगा धान क्रय। 3625 किसान पंजीकृत। एक महीने के लंबे इंतजार के बाद अब जिले के 6 धान केंद्र में शुक्रवार से धान खरीद शुरू होगी। इसको लेकर किसानों में खुशी है, लेकिन क्रय केंद्र वाले इस बात को लेकर परेशान है कि उन्हें जामताड़ा के राइस मिल में नहीं बल्कि धान को जिले से बाहर देवघर व दुमका के मिलों में भेजना पड़ेगा। खबर है देवघर से। झारखंड ई रिक्शा गरिमा योजना देवघर में फ्लॉप। 5 साल में मात्र 13 लोगों ने ली ई रिक्शा। झारखंड ई रिक्शा गरिमा योजना देवघर शहरी क्षेत्र में फ्लॉप साबित हो रही है। सब्सिडी पर मिलने वाली ई रिक्शा लेने में देवघर के लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। 5 साल में मात्र 13 लोगों ने ही ई रिक्शा लिया, जबकि कुल 50 लोगों के बीच ई रिक्शा बांट रहा था। अभी भी 65 लाख की राशि नगर निगम के खाते में पड़ी है। दरअसल नगर निगम की ओर से देवघर शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बार फिर ई रिक्शा योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग का दावा फेल। गिरिडीह और देवघर के उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही है सस्ती बिजली। अगस्त में ऊर्जा विभाग की ओर से 6 ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशनों के उद्घाटन के साथ ही JVVNL और ऊर्जा संरक्षण की ओर से दावा किया गया था कि गिरिडीह और देवघर के जसडीह प्रखंड में 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। उपभोक्ताओं को उम्मीद जगी थी कि उन्हें रियायत मिलेगी। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से इन ट्रांजिशन लाइनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था। इन ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों का उद्घाटन किए 4 महीने हो गए हैं। दुमका के दंपति को अविलंब न्याय के लिए एकजुट हुए कई संगठन। दुमका में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को अविलंब न्याय, प्रदेश में जेंडर नीति तैयार करने और निर्भया फंड का
उपयोग करने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर विभिन्न संगठनों की जुटान हुई। हजारीबाग ग्रामीण विकास केंद्र, आदिवासी विमेंस नेटवर्क, मुंडा सभा, विमेंस एंड जेंडर रिसोर्सेज सेंटर, लैंड राइट रिसोर्सेज सेंटर, झारखंड जनाधिकार महासभा, PPI फाइडेज फॉर फ्यूचर झारखंड, हॉपमैन लॉ, फिया फाउंडेशन समेत लिंग हिस्से के जरूर विभिन्न जन संगठनों के एकत्रित हुए। साहेबगंज में निजी अस्पताल के छठी मंजिल पर लगी आग, 20 मरीज थे भर्ती, कोई हताहत नहीं हुए हैं। साहेबगंज शहर में बुधवार की सुबह सूर्या सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के छठी मंजिल में आग लग गई। हॉस्पिटल में मौजूद फायर सिस्टम में से आग पर काबू पाया गया। इस बीच दमकल को भी बुलाया गया। जिस समय आग लगी उस वक्त हॉस्पिटल में करीब 20 मरीज भर्ती थे, जिसे आनन फानन में अस्पताल के स्टाफ ने बाहर निकाला। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, पर अस्पताल का UPS पूरी तरह से जल गया है। खबर है साहेबगंज से, कुख्यात लुटेरे मिहिर ठाकुर राधानगर से गिरफ्तार। दर्जन भर से अधिक लूट कांड के आरोपी तथा कई मामलों के वांछनीय अपराधी मिहिर ठाकुर को राधानगर थाने के पुलिस ने मंगलवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पाकुड़ गोडे के पुलिस को मिहिर की थी इंतजार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मुराई रोई थाना क्षेत्र के डोडिया गांव का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से पाकुड़ में रह रहा था। यही रहकर वह सड़क लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। राधानगर थाना क्षेत्र के चोरी ढाप में उसका ससुराल है। खबर है पाकुड़ से, 60 फीट बंद खदान में गिरा हाईवा, चालक लापता हुए। बेर पहाड़ी के निकट सुरईडी मोजा स्थित अजय भगत के बंद पत्थर मीन में बुधवार को अनियंत्रित होकर हाईवा गिर पड़ा। हाईवा में हेड लोड था। खदान करीब 50 से 60 फीट गहरी है। हाईवा चालक झिकरहाटी गांव निवासी सकनी से लापता है। आशंका है कि हाईवा चालक भी पानी में डूब गया है। थाना प्रभारी अमित तिवारी, ASI रमेश सिंह, सनातन मांझी घटना स्थल पर पहुँच जायजा लिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।